नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ सूजी और बेसन से बने बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी। आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे आधा कप सूजी, बारीक वाला या मोटे दाने वाला, जो भी आपके पास सूजी हो आप ले सकते हैं। और आधा कप यहाँ पे डालेंगे बेसन। यहाँ पे मैंने आधा शिमला मिर्च को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आधा टमाटर को भी छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, और एक छोटे साइज के प्याज को भी बिल्कुल टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ते और दो हरी मिर्च डाल देंगे हम सभी चीज़ें। करीब 4 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे लौकी को ग्रेट करके। आप यहाँ पे अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे गाजर अगर आपको पसंद हो तो गाजर भी डाल सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे एक छोटे साइज के आलू को बॉईल कर लिया है, और उसके बाद हमने इसे ग्रेट कर लिया है। तीन चम्मच डालेंगे हम दही, नमक डालेंगे स्वादानुसार, नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। अब हम थोड़ा पानी डालेंगे यहाँ पे, आधा कप से भी कम, और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप एक बार ये नाश्ते की रेसिपी को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आधा चम्मच डालेंगे हम चाट मसाला, एक बार मिक्स करेंगे, और 5 मिनट हम बैटर को ढक के रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। सूजी थोड़ा फूल जाएगा, तो अगर बाद में हमें लगेगा कि थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो हम बाद में डाल सकते हैं, और अगर आपको कलर के लिए यहाँ पे हल्दी डालना है तो आप डाल सकते हो। तो अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम ढक के 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 5 मिनट हो गए, सूजी हमारा अच्छे से फूल गया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे पानी, क्योंकि बैटर थोड़ा सा मोटा लग रहा है, करीब 2 चम्मच। इससे ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। अब हम डालेंगे आधा चम्मच खाने वाला सोडा, या तो आप इनो डाल सकते हो, तो आधा चम्मच डाल दिया है। एक बूंद हम डालेंगे पानी, और एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, और इस तरीके से हम बैटर को उठाएंगे और सीधा पैन में डालते जाएंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, पैन में हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाए, हम चम्मच की मदद से बैटर को उठाएंगे और एक एक इस तरीके से डालते जाएंगे। छोटे बड़े साइज आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पे रख सकते हो। एक बारी में जितना आराम से फ्राई हो सके उतना ही हम डालेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। तो एक बारी में 5 आराम से आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, मीडियम फ्लेम में एक तरफ 2 मिनट फ्राई हो जाने देंगे, उसके बाद हम एक एक करके पलट देंगे। आप साइज छोटे बड़े रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो।
दो मिनट बाद एक एक करके पलट देंगे। नीचे की ओर अच्छे से फ्राई हो गया है। और दूसरी तरफ भी दो मिनट हम फ्राई करेंगे। तो सभी पीस मैंने पलट दिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके दो मिनट फ्राई हो जाने का वेट करेंगे। दो तीन मिनट बाद दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आए। तो निकाल लेंगे हम एक एक करके और बाकी भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए बस गैस का फ्लेम हाई करके नहीं फ्राई करना है हमें। अगर हाई फ्लेम में आप फ्राई करेंगे तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। देखिए तो इसी तरीके से बाकी भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी अगर आप ट्राई करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसे अपने मनपसंद सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।